सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस के आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल के बारे में, और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से मिलिट्री स्नाइपर्स काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ये बात है 2017 की, जब एक कमाल की खबर ने स्नाइपिंग कम्युनिटी को हैरान कर दिया था। और वो कमाल की खबर ये थी कि मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे एक कैनेडियन स्नाइपर टीम ने करीब 3,540 मीटर की दूरी से सफलतापूर्वक आइसिस के एक आतंकी को शॉट किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3,540 मीटर, और किलोमीटर के हिसाब से 3.54 किलोमीटर, और यही वर्तमान समय में सबसे लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को बनाया था कैनेडियन आर्म फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जॉइंट टास्क फोर्स 2 के स्नाइपर ने। और इस स्नाइपिंग में जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है मैकमिलन टेक 50, जो की एक लॉन्ग रेंज की एंटी मटेरियल एंड एंटी पर्सनल स्नाइपर राइफल है। और इसमें 0.50 कैलिबर यानी की 12.7x99 mm की बुलेट इस्तेमाल होती है। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो मैकमिलन टेक 50 है, इसकी मैक्सिमम इफेक्टिव फायरिंग रेंज 1800 मीटर है। तो फिर आखिर कैसे इस स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके 3,540 मीटर की दूरी पे टारगेट को सफलतापूर्वक शॉट किया गया है? और बता दें कि ये कंफर्म किल है, जिसे एक वीडियो और अन्य डेटा के माध्यम से वेरीफाई किया गया था। और इसलिए इसी बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मिलिट्री स्नाइपर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आप ये बात जान लें कि जो स्नाइपर्स होते हैं वो किसी भी मिलिट्री के सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक होते हैं, और वे दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना के दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। और जो मिलिट्री स्नाइपर्स होते हैं वो युद्ध के मैदान में कई अलग अलग तरह के मिशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जो स्नाइपर्स के प्राइमरी मिशंस होते हैं उनमें गन के ट्रिगर को खींचने से कोई लेना देना नहीं होता है। और युद्ध भूमि में स्नाइपर्स का जो मेन रोल होता है वो होता है रिकॉनसेंस, क्योंकि स्नाइपर्स के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी के मामले में महारत होती है, और वे अपने आसपास के वातावरण में इस तरीके से घुल मिल सकते हैं कि किसी को भी उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता है। और इसी महारत के दम पर दुश्मन के क्षेत्र में घुस के वे दुश्मन के साइज, स्ट्रेंथ और लोकेशन के बारे में जानकारी अपनी कमांड को देते हैं। और ये मिलिट्री स्नाइपर्स दुश्मन की पूरी फोर्स को एंगेज करने के बजाय उनके हाई वैल्यू टारगेट्स, जैसे कि उनका कोई हाई रैंक ऑफिसर, कोई उनका पायलट, आर्मी ड्राइवर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स और ऐसे अन्य टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। और बिना किसी वार्निंग के अपने डेडली शॉट्स की मदद से स्नाइपर्स दुश्मन की इच्छा शक्ति और लड़ने की क्षमता दोनों को ही तोड़ देते हैं। और स्नाइपर टीम में मुख्य रूप से दो लोग होते हैं, एक होता है स्पॉटर और दूसरा स्नाइपर। और ये दो लोगों की टीम एक इकलौते स्नाइपर को बैटलफील्ड में तैनात करने के मुकाबले में ज्यादा फायदे देती है। जो स्पॉटर होता है वो अपने एक खास तरह के स्पेशल स्कोप को कैरी करता है, और उसका ये स्कोप स्नाइपर राइफल में इस्तेमाल होने वाले स्कोप से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और स्पॉटर अपने इसी खास तरह के स्कोप की मदद से शूटर को ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है और टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए एक शॉट का सेटअप करता है। और एक बार फायर करने के बाद फिर स्पॉटर ये देखता है कि जिस टारगेट को शॉट किया गया है वो शॉट हुआ भी है या नहीं, और अगर किसी केस में टारगेट मिस हो जाता है तो फिर स्पॉटर फिर से उसकी पोजीशन को एडजस्ट करके स्नाइपर को दूसरा शॉट के लिए तैयार करता है। और जब स्नाइपर राइफल से बुलेट फायर होती है तो उसके पीछे एक वेपर ट्रेल बनती है, और स्पॉटर उसी वेपर ट्रेल की मदद से शॉट को ट्रैक करता है। लेकिन जब भी बात आती है लंबी दूरी में टारगेट को सटीकता के साथ हिट करने की, तो ये टारगेट पर निशाना साध के गोली चलाने जितना आसान नहीं है, क्योंकि स्नाइपिंग एक वेपनाइज्ड मैथ है और इसमें सटीकता के लिए कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है, जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, हवा की रफ्तार और उसकी दिशा, ऑल्टीट्यूड, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और साथ ही बुलेट पर लगने वाला कोरिओलिस इफेक्ट। और स्नाइपर को उसकी ट्रेनिंग के दौरान इन फैक्टर्स को समझने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और स्नाइपर जितनी लंबी दूरी से शूट करेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, क्योंकि जब बुलेट हवा के थ्रू आगे जाती है तो यही नेचुरल फोर्सेस इस पर इफेक्ट करती हैं। और इसलिए स्नाइपर्स एक्यूरेसी यानी कि सटीकता को मेजर करने के लिए मिनट ऑफ एंगल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मेजरमेंट यूनिट है। और यही मिनट ऑफ एंगल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MOA कहते हैं, इसकी मदद से दूरी को ध्यान में रखते हुए शॉट की सटीकता को मापा जाता है।
जाता है और ऐसा करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है और वो होता है 1.047 inches at 100 yards और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है 1 inch at 100 yards यानी कि बुलेट के हर 100 गज की दूरी पर 1 inch की इनएक्यूरेसी जुड़ती है और जितनी लंबी दूरी होगी इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल करके स्नाइपर अपनी इनएक्यूरेसी को मेजर कर सकता है। लेकिन स्नाइपर की जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं वो होती हैं विंड और ग्रेविटी, क्योंकि लंबी दूरी के टारगेट में ये बुलेट की रफ्तार और उसकी दिशा को बदल सकती है और इसलिए स्नाइपर्स अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए ये भी मेजर करते हैं कि इस दूरी पर हवा उस बुलेट पर कितना असर करेगी और इसलिए अधिकतर स्नाइपर्स हवा की दिशा को नापने के लिए स्मोक या फिर ब्लोइंग लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो ये मैकब्लेन टैग 50 है एक बेहद ही पावरफुल स्नाइपर राइफल है क्योंकि 0.50 कैलिबर की बुलेट इस्तेमाल करती है और इस कैलिबर की बुलेट 5 मील तक फ्लाई कर सकती है, लेकिन फिर भी इस 0.50 कैलिबर जितनी पावरफुल राइफल शॉट पर ग्रेविटी काफी ज्यादा असर करती है। और आप ये भी जान लें कि जैसे ही बुलेट राइफल से बाहर निकलती है तो वो जितना दूर जाते रहेगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती रहेगी और एनर्जी कम हो जाने की वजह से ग्रेविटी को काउंटर करने की उसकी एबिलिटी भी कम होती रहती है, यानी कि दूरी जितनी लंबी होगी बुलेट की रफ्तार भी उतनी ही कम होती जाएगी और जो ग्रेविटी है वो बुलेट को नीचे की तरफ खींचती रहेगी और इस चीज को टेक्निकली कहते हैं बुलेट ड्रॉप। और इस 0.50 कैलिबर के राउंड को भी एक काफी अच्छी खासी मात्रा में बुलेट ड्रॉप देखना पड़ता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस कैनेडियन स्नाइपर ने 3,540 मीटर की दूरी पर टारगेट को हिट किया था तो उस समय बुलेट को कितना ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दूरी पर उस बुलेट ने करीब 6,705 इंचेस का ड्रॉप देखा होगा और इसलिए इस बुलेट ड्रॉप वाले फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कैनेडियन स्नाइपर ने अपने टारगेट को हिट करने के लिए एक हिल टॉप यानी कि एक पहाड़ की चोटी को चुना था और बाकी का जो ड्रॉप था उसे राइफल स्कोप की मदद से करेक्ट किया गया था। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब टारगेट को हिट किया था तो बुलेट की रफ्तार थी 940 फीट पर सेकंड, यानी कि वहां पहुंचते बुलेट की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी कम हो गई थी। इसके अलावा जो दूसरा मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से ये शॉट सफलतापूर्वक हो पाया था वो थी हवा। और बता दें कि अगर हवा 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो अगर 400 यार्ड की दूरी पर भी आप 0.50 कैलिबर की बुलेट फायर करेंगे तो हवा की इस रफ्तार से भी करीब 2.5 इंच अपने पाथ से हट जाएगी। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्नाइपर ने 3,540 मीटर की दूरी पर इस हवा का इस्तेमाल करके बुलेट को अपने टारगेट तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इसके अलावा जो अन्य फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कम दूरी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है 3,540 मीटर जितनी लंबी दूरी की तो वहां पर ये एक मेजर इश्यूज बन जाते हैं। और इन फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए स्नाइपर्स विंड सेंसर्स और बैरोमेट्रिक प्रेशर रीडर्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ वहां के लोकल वेदर कंडीशंस की भी जानकारी रखते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो भी स्नाइपिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सुबह के वक्त जब मौसम ठंडा होता है और दिन के वक्त जब मौसम गर्म होता है इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में फायर करने में काफी फर्क होता है और इसलिए स्नाइपर्स को टेम्परेचर का ध्यान भी रखना पड़ता है। और इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो कि होता है कोरियोलिस इफेक्ट, और अगर आप किसी बुलेट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉट करते हैं तो इसी इफेक्ट की वजह से वो बुलेट राइट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगी और इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉट करने पर वो लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होगी और इसी की वजह से अगर आप पूर्वी दिशा में फायर करते हैं तो वो बुलेट एक हाई स्ट्राइक करती है और वहीं पश्चिमी दिशा में फायर करने से बुलेट लो स्ट्राइक करती है। और इन सब फैक्टर्स के अलावा लंबी दूरी पर टारगेट को हिट करने के लिए एक मॉडिफाइड स्नाइपर राइफल की भी जरूरत होती है जिसमें खुद स्नाइपर राइफल के साथ साथ स्कोप जैसे अन्य और अटैचमेंट्स आते हैं। और अपने इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग शॉट के लिए कैनेडियन स्नाइपर टीम ने इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया था और वो इनमें से अगर किसी भी एक फैक्टर को सही से जज नहीं कर पाते तो वो निशाना पूरी तरीके से चूक जाता, क्योंकि उन्होंने एक इंसान को शॉट किया है और जो एक एवरेज मैन साइज का टारगेट होता है वो केवल 24 इंच ही चौड़ा होता है और इसलिए इस तरह के टारगेट को इतनी लंबी दूरी पर हिट करने के लिए यहाँ पे गलती की जरा से भी गुंजाइश नहीं होती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।